खैर दोस्तों, हमारे चैनल हेयर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है जो कि बेसिस ऑफ CUET आप लोगों का एडमिशन लेने वाले हैं इस साल। तो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था कि CUET का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोगों का जो है एडमिशन पोर्टल चालू करा जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने भी अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया फॉर द UG कोर्सेज। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कहाँ पे आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी नहीं है, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो क्लिक करना होगा आपको एडमिशन्स पे। एडमिशन्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करेंगे तो सीधा इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, यहाँ पर अपने CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है और क्लास 10th की मार्कशीट के बेसिस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है और आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैंने एक डिटेल्स डाली थी जो कि मेरे पास एक स्टूडेंट की डिटेल थी और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि भाई अगर आपने CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं करा तो आपको इनका जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है नहीं मिल पाएगा, यू हैव टू कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी फॉर दिस, ऐसा एक मैसेज बन के आ रहा था। तो उसके बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर आपने मेंशन करा है तो ही आप लोगों को यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैसेज आया था उसके हिसाब से। ये देखिए, इस स्टूडेंट ने इनका CUET के रजिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं करा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव नॉट गिवन इंटेंट टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी, कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी फॉर मोर डिटेल्स। अब यहाँ से हम आ जाते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सीधा आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फायरफॉक्स, मोजिला, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, OTP आएगा आप लोगों के पास, OTP से आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई करा देना, उसके बाद अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स डाल देना, प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना, प्रोग्राम्स का सिलेक्शन फिर आप लोगों को करना पड़ेगा। देर आर 8-9 स्टेप्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोग्राम सिलेक्शन, आप लोगों को अपना प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है, उसके बाद प्रीव्यू करने अपनी पर्सनल डिटेल्स जो आप लोगों ने डाली है, आप एक बार में अपना प्रोग्राम पहले उसमें ही सिलेक्शन कर लेना कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को कोर्स दिखा देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। आप प्रोग्राम्स पे क्लिक करना, पहले यहाँ पे जाना आप मेन वेबसाइट पे, प्रोग्राम्स में इनके पास BA ग्लोबल बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑल अबाउट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस हैं इनके, कश्मीरी गेट, लोधी रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, तो यहाँ पे कैंपसेस है, यहाँ पे BBA कोर्स भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है, तो ध्यान से ही आप लोगों को मतलब अपनी चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करनी है। देखिए, 63 सीट्स हैं BBA की, आप क्लिक करेंगे किसी भी कोर्स पे तो उसकी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के साथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी एंटर अकेडमिक्स डिटेल्स डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर, अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कौन से अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट अगर कोई आपने अप्लाई करा है, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी है, डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB। अब मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्यों पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्रेडेंशियल्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता कि कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस इस तरीके से आपको अपने 8 स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आप लोगों का जो है आगे का काउंसलिंग का प्रोसेस प्रोसीड हो जाएगा। आप लोगों को अपनी पेमेंट कर देनी है, पेमेंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करी कि कितनी पेमेंट ली जा रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, सो ये तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब इनका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। सो ये है डिटेल्स अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो आप लोगों का फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85% रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है और आउट ऑफ दिल्ली के लिए 15% सीट्स यहाँ पे होती हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में इसके बारे में बताऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका आउट हो गया तो जाके आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।